हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन। मैं विकास पारेशर। बच्चों, मेरा चैनल पहले से भी चलता था, पर मैं आपके लेके आया हूँ कुछ नया चैनल, वीडियो के साथ, क्वालिटी वीडियो, साथ में रेगुलरिटी के साथ। ठीक है, बहुत सारी कंप्लेंट मुझे मिली कि सर आप रेगुलर वीडियो नहीं डालते और पूरा डिटेल में डालो, बेसिक से डालो, जैसा आप पढ़ाते हो वैसा डालो। बच्चों, मैं डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली का एक फैकल्टी हूँ। मैं अपना इंस्टीट्यूट राइट डायरेक्शन एकेडमी चलाता हूँ। मैं एक्स फैकल्टी हूँ पैरामाउंट और KD कैंपस हूँ। एंड मेन बात, मैं एक्स साइंटिस्ट हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। DRDO, ISRO, HL तीनों निकाला हुआ है। सेकंड टॉपर इन इंडिया, 17 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, देखते हैं मैं पढ़ाता कैसे हूँ। ठीक है, तो बच्चों, इस चैनल में मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसा मैं पढ़ाता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ टाइप वाइज मैथ्स, VST, विकास सर टिप्स, बिल्कुल नई मैथ्स। और इस अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप देखेंगे। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ एक खतरनाक टॉपिक से, जिससे सब बच्चे डरते हैं और बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर बताओ कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं स्टार्ट करूँ बच्चों ज्योमेट्री से। ठीक है, ज्योमेट्री में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन दूंगा, PDF भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, बट अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो चलो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार का जो Tier 2 का पेपर था उसमें सबसे हार्ड था मेंसुरेशन 2D, और 2D मतलब पूरा ज्योमेट्री उसमें लगेगा। और ये मैं जो पहला चैप्टर ले रहा हूं ट्राइंगल, ये जो चैप्टर है बच्चा, ये हर चैप्टर का बेस है। ट्राइंगल से ही आगे आप सर्किल में लगेगा, क्वाड्रिलेटर में लगेगा, मेंसुरेशन 2D में लगेगा, 3D में लगेगा, कई बार पॉलीगन में लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं जीरो से बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्राइंगल। ठीक है बच्चा, त्रिभुज या फिर ट्राइंगल। वैसे मैं एक आपको बात बताता हूँ कि ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत अगर मैं ध्यान दूँ कि ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है साउथ अफ्रीका से, है ना। साउथ अफ्रीका में था रामू काका का खेत, और रामू काका ने इस बार लगान कम दिया, तो राजा ने बुलाया रामू काका को कि पेश किया जाए रामू काका को। पूछा गया कि भाई तुमने लगान कम क्यों दिया, तो रामू काका ने बोला कि साहब जी क्या हुआ कि जो नील नदी के पास में, है ना, मेरा खेत था, अच्छा मैं नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे खेत का सर बहुत सारा पोर्शन मेरा बाढ़ में चले गया, तो मैं लगान नहीं दे पाया। राजा ने बोला नहीं, आप मुझे बताओ कि आपके खेत की पोजीशन क्या है। और बच्चों, वहाँ से स्टार्ट हुआ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आयताकार निर्देशांक ज्यामिति, है ना। रामू का खेत यहाँ हुआ, उन्हें बोला कि राजा के महल को हम बोलेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन इसको बोलेंगे हम। और जो भी इधर जाएगा उसको बोलेंगे प्लस एक्स, जो इधर जाएगा उसको बोलेंगे माइनस एक्स, जो इधर जाएगा उसको बोलेंगे प्लस वाई, जो इधर जाएगा उसको बोलेंगे माइनस वाई। रामू का खेत की पोजीशन करना है तो पहले आपको एक्स पढ़ना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ से ये पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 11, 11, 13 इसकी पोजीशन होगी। इस तरह ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनने लगे, अलग अलग खेत की पोजीशन बनने लगी, और धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। थेलिस ने अच्छा काम किया, उसके बाद पाइथागोरस ने काम किया, उसी समय एक कंट्री का एक बंदे ने जबरदस्त काम किया, लोग सरप्राइज हो गए, और उस कंट्री का नाम था इंडिया, अभी भी है। और उसमें से आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ जिससे मजा भी आएगा पढ़ने में। वही सूर्य सिद्धांत की बुक अरब वाले ले गए, अंग्रेज ले गए, और उसी ज्योमेट्री को हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अपने देश की ज्योमेट्री है। और अपने देश की ज्योमेट्री है तो एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से, ट्राइंगल से, त्रिभुज क्या होता है। चलो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ क्वेश्चन भी साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, फोकस होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल पार्ट उससे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं पूरी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपको 100% मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा, सबसे पहले आप देखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब इट इज द क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 स्ट्रेट लाइन, तीन सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति, जैसे मैं अगर बोलूँ A, B and C। अच्छा, एक साइन कन्वेंशन हम यूज में लेंगे कि जब भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ए इस एंगल को बोलेंगे कैपिटल ए, मतलब ये एंगल, या फिर वर्टेक्स एंगल बोलें, या फिर इसको वर्टेक्स बोलें, वर्टेक्स मतलब ये वाला बिंदु, हिंदी में शीर्ष बिंदु। इसके सामने साइड को बोलेंगे स्मॉल ए, लेंथ को, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ BC। बी के सामने वाले साइड को बोलेंगे स्मॉल बी,
और सी के सामने साइड को बोलेंगे स्मॉल सी। तो ये साइन कन्वेंशन मैं यूज में लूंगा। मैं जब भी बच्चों किसी क्वेश्चन में एंगल ए लिखूं या कैपिटल ए लिखूं, दोनों एक ही बात होगी। अगर मैं किसी क्वेश्चन में बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर लिखूं या स्मॉल ए बराबर 5 सेंटीमीटर लिखूं, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए ये जो ट्राइंगल है ये बनता कैसे और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी जब भी मैं कहता हूँ इसका मतलब एक ऐसी बात है जो सारे ट्राइंगल में फिट होगी, ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। और प्रॉपर्टीज पे आप मान के चलो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी ले लो, कैट ले लो, सीडीएस ले लो, सीपीयू ले लो, यहां तक कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं पब्लिक सेक्टर के, सब में प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपका टाइप नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। ठीक है, चलिए आप ये देखें कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं ए और बी, इसकी लेंथ है, चलिए इसकी लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। इसमें मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर सी पॉइंट, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपने स्कूल में डायग्राम बनाए होंगे ज्योमेट्री में, उसमें हम कंपास प्रकार यूज में लेते थे। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए पर कंपास रखकर इसको ऐसे करके आर्क घुमाता हूं। अगर मैं यहां पे कंपास रख के ऐसे घुमाऊं तो आपको ये पता है कि वो कंपास में आपने ये 7 सेंटीमीटर को फिल किया है और यहां पर पूरा डाला है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। उसी कंपास में मैं 3 को लेकर अगर मैं ऐसा आर्क बनाऊंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी 3। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या बच्चों ये जो 7 है और ये जो 3 है और जो 10 है, इससे कभी आप ट्राइंगल बना सकते हो? अगर मैं इन तीनों साइड को मिलाना चाहूं तो कभी भी स्पेस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप इसको नीचे लेके आओगे, इसको नीचे लेके आओगे, ये कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी कहां? यहां पर, जहां पे ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और इससे स्टार्ट होती है अपनी पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी ट्राइंगल बनेगा ही तब जब दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा ज्यादा, है ना। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी ट्राइंगल बनता कभी बच्चों जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा तो ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जब भी कोई ट्राइंगल बनता है उसके लिए कंडीशन लगती है। ठीक है, अगर मैं आपसे जनरली बोलूं कि बच्चों एक साइड है 3, एक साइड है 8 और एक साइड है 5, किससे ट्राइंगल बनेगा, तो होगा नहीं। अब आप ये भी बोलना सर लग तो रहा है 3 + 8 11 5 से बड़ा है, 8 + 5 13 3 से बड़ा है, तीनों लगना चाहिए, तीनों कंडीशन लगेगी तब हम कहेंगे ट्राइंगल पॉसिबल है। तो इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि 3 + 5 8 इसके इक्वल आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। 1 2 4 से ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता, दो साइड का सम इससे कम आ रहा है। इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं बच्चों इस बी को इस साइड लेके जाऊं तो क्या आएगा, सी माइनस बी इज लेस देन ए। मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, कि द डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। मैंने मॉड्यूलस लगाया है, हमेशा आपको प्लस लेना है। ठीक है, वैसे इस साइड को इधर लेके जाओ, यहां पर भी एक बनता है कि b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन a, या मैं लिख सकता हूं c माइनस a इज ऑलवेज लेस देन b। अब आप देखो कितनी छोटी सी बात मैंने आपको बताई है और इससे रिलेटेड कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूं कि क्वेश्चन का क्या क्या नेचर है जो इसमें पूछते हैं। दिखने में बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक मैं आपको थंब रूल, पहला थंब रूल दे रहा हूं ज्योमेट्री में, कि ज्योमेट्री में जहां पर भी आपको इस तरह का सिंबल मिले, ऐसा और ऐसा, वो क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 का ही होगा, इसके अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो सेंट्रोइड का क्वेश्चन हो या इन सेंटर का हो या किसी का भी हो, जिसमें सिंबल दिख जाए तो पक्का वो रिलेटेड इन दोनों प्रॉपर्टी से होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, एक तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चों अगर मैं बोलूं कि एक साइड है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, एक साइड है बच्चों मेरे पास 5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि इसकी थर्ड साइड क्या होगी जिससे ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द थर्ड साइड। सीधी सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाना है कि यहाँ पे दो साइड का सम 3 + 5, अच्छा बच्चों एक साइड x ले लो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन
थर्ड साइड, प्रॉपर्टी नंबर वन लग जाएगी। और प्रॉपर्टी नंबर टू से ग्रेटर वाली कंडीशन लगाना है कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो देखो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, तो 5-3 यहां पे लिख दो बस और क्या। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो 8x + 2। देखो कितना सिंपल। ठीक है, तो जब भी पूछे आपसे कि बताओ कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, तो आपको यही कंडीशन लगाना है। एक छोटा सा बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रायंगल में एक साइड है 2 सेंटीमीटर, एक साइड है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज द इंटीजर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स मे बी फॉर्म, ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था, तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। आप क्या लिखोगे कि अच्छा दो साइड का सम 5+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दो साइड का डिफरेंस 5-2 से एक्स बड़ा होगा। तो यहां मैं कह सकता हूं एक्स की वैल्यू 3 और 7 के बीच में वैरी करेगी। अच्छा अब मैंने क्या बोला था बच्चों, कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि एक्स आपका इंटीजर है, तो चलो बताओ इंटीजर इसके बीच में कितना होगा, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। तो इसका आंसर है 3 पॉसिबिलिटी है। 3 तरह के ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसमें ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि ये आपके 2013 CGL टायर 1 ने पूछा था, उसके बाद एक बार फिर उन्होंने टायर 1 में पूछा है क्वेश्चंस। ठीक है, ये कई बार आ चुका है कि एक साइड है 3 बच्चों, एक साइड है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कि एक है 2 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि आप ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकते हो इसमें से कोई भी 3 साइड को लेकर। हाउ मेनी ट्राइंगल मे बी फॉर्म बाय टेकिंग द 3 साइड्स फ्रॉम द गिवन लेंथ, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखो आप जब भी वैलिडिटी की चेक करना है कि ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, आपसे भी इससे काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि आप सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएं। हाँ, ये सेकंड प्रॉपर्टी कहाँ यूज में लेते हैं, जब दोनों के मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, जब हम जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ी थी। ठीक है, वैसे तो आप इस प्रॉपर्टी से ही इसको प्रूफ किया है, उसका भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले स्टार्ट करते हैं चलो 2 से। एक साइड मैंने 2 लिया, इसके साथ 3। बच्चा आपको ये पता है कि 2 साइड का सम कितना हो गया, 5। तो अभी मैंने बताया कि 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ज़्यादा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 2 साइड है 2 और 3, तो यहां से 5 लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 साइड का सम इससे बराबर हो गया। यहां से 6 लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 साइड का सम इससे छोटा हो गया, तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। ये बात ठीक है। चलो तो अब लेते हैं 2 के साथ 5 और 6, बताओ ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 साइड का सम इससे बड़ा है, 5+6 इससे बड़ा है, 2+6 = 8 इससे बड़ा है, बनेगा ट्राइंगल। चलो एक इधर से देखते हैं, 3, 5, 6 इससे ट्राइंगल बनेगा। देखो 3+5 = 8 ग्रेटर है, 5+6 = 11 ग्रेटर है, 3+6 = 9 ग्रेटर है, तो ट्राइंगल बनेगा। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि बताओ आपको ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, बताएं प्लीज, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ये प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, छोटे छोटे आजकल देखो कॉन्सेप्चुअल हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत सिंपल सा CGL SSC CGL में पूछा गया कई बार। ठीक है, इवन CDS में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि डेटा कुछ भी होगा, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज द 8 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द कंडीशन। सेम चीज अभी हमने किया, वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, आपको सीधा करना है कि सर इसमें क्या बोलेंगे, 10 3+7 ग्रेटर होगा ए से और 7-3 4 से ग्रेटर होगा। ये तो बड़ा सिंपल है, पर एक और टिपिकल इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये तो ट्राइंगल बन गया, पर इसके अंदर ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, अधिक कॉन्ट्रीब्यूट, इसके अंदर एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, वो क्या कंडीशन होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये होते क्या ट्राइंगल। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टाइट नंबर 2 में। फिलहाल एक छोटी सी बात, अगर मैं बेस्ड अपॉन एंगल कोणों के आधार पर अगर देखूं तो 3 तरह के ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल कहलाता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ABC है ना, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, इसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज।
एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 हो, एक होता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो। अच्छा दो तो नहीं हो सकते क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो दो एंगल तो 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये हुआ ए बी सी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और स्मॉल सी, इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है ना। और तीसरा आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है। अच्छा अगेन इसमें भी दो एंगल 90 नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। एक बार एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल का सम हमेशा थर्ड एंगल से ज्यादा होता है। ठीक है, देखो बात कितनी सिंपल सी है। अगर कभी भी आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कोई भी ट्राइंगल सोच लिया करो। आप देखो इसमें अगर मैं दो एंगल को जोड़ूं तो उसका सम 90 से ज्यादा आना है। क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल तो क्या है 90 से कम, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर मैंने दो एंगल को जोड़ा तो उसका सम तो 90 से ज्यादा आ गई, और ये एंगल 90 से कम है, तो मैं कह सकता हूं सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें दो एंगल का सम थर्ड एंगल से क्या होता है बच्चों ज्यादा, सिर्फ एक्यूट में। अच्छा यहां पर नहीं होता, हाँ इसमें इन दोनों को आप जोड़ोगे तो इससे ज्यादा आएगा, बट अगर आपने इन दोनों को ऐड किया ए और सी को, उसका सम बी से क्या आएगा लेस। बट इसमें तीनों एंगल में कंडीशन लगती है, तो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था आपसे, तो उसका आंसर था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें नहीं होगा, इसमें एक एंगल का सम दोनों एंगल के सम के बराबर होगा बी, हाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो ये से ग्रेटर होगा, तो इसमें तीनों में लगता है। बट अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, है ना। इसमें बच्चों एक लगता है कोसाइन फॉर्मूला, जो मैं अभी इस प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाऊंगा कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। कोसाइन फॉर्मूला अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगाऊं तो उससे एक जबरदस्त रिलेशन मिलता है कि इसमें किसी भी साइड का स्क्वायर कर लो, किसी भी साइड का स्क्वायर, वो हमेशा लेस होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से। अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर इसका प्रूफ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, कोसाइन के साथ में इसका प्रूफ बताऊंगा। किसी भी साइड का सम करो बाकी दो साइड के सम से लेस होता है, किसी भी साइड का सम करो बाकी दो साइड के सम से बच्चों लेस होता है। ये जबरदस्त प्रॉपर्टी लगती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा अगर मैं ऑब्ट्यूस की बात करूं तो ऑब्ट्यूस में अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं तो इसमें सिर्फ लार्जेस्ट साइड के साथ एक जो बहुत ही जबरदस्त रिलेशन मिलता है, लार्जेस्ट साइड के साथ। देखो क्या, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ऐसा होता है। अच्छा तीनों साइड में नहीं लग रहा जैसे इसमें लग रहा है, इसमें तीनों साइड में लगता है। अच्छा इसकी और राइट एंगल ट्राइंगल की तो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देखो आपने अब तक स्कूल लेवल में ये वाला तो पढ़ा है, ठीक है, कि स्कूल लेवल में पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है आपने पढ़ा है हिंदी में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बट अब हम अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये भी याद करेंगे और ये भी याद करेंगे। अच्छा अगर मैं आपको कोई भी ट्राइंगल दे दूंगा ना, मैं आपसे बोलूं कि बच्चों एक चीज बताओ कि, चलिए मैं यहाँ पे इनको हटाता हूँ, मैं आपको बोलूं कि बच्चों एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर, एक साइड है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आप ये देखेंगे कि अगर मैं आपको तीनों साइड दे दूं तो तीनों साइड से ट्राइंगल तो बनेगा, ये तो पॉसिबल है। कैसे, 1.2 और 1.1 और 1.2 लगाओ, 3 + 7 = 10 बड़ा है, बिल्कुल सही है, 7 + 8 = 15 बड़ा है, बिल्कुल सही है, 3 + 8 = 11 इससे बड़ा है, ट्राइंगल बनेगा। अब क्वेश्चन है कि ट्राइंगल कौन सा है, इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल है। अच्छा बच्चों अभी मुझे नहीं पता कि ये एक्यूट है या नहीं, इसलिए मैं कोई भी साइड के साथ अपना ये प्रॉपर्टी चेक नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए सबसे लार्जेस्ट साइड लेना है, कौन है बच्चों लार्जेस्ट, 8। कितना सिंपल और आता है आजकल। तो आप क्या करो बच्चों, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर लो, है ना, बताओ कितना है 64, बाकी दो साइड का स्क्वायर करो और सम करो उसका, तो ये कितना हो गया बच्चों 9 + 49, ये कितना हो गया 58। अब देखो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से ग्रेटर है, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये कंडीशन आपको लगाना है जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ ट्राइंगल का टाइप क्या है इन तीनों में से, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई एक साइड है 5, एक साइड है 6 और एक साइड है 7, और फिर मैं आपसे पूछता कि बताओ कि ट्राइंगल का टाइप क्या है, तो देखो आप कैसे करते हैं। उस केस में भी अगर आप चेक करते, आपको हमेशा लार्जेस्ट साइड से लेना है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बताओ कितना हुआ बच्चों 49, बाकी दो साइड का स्क्वायर बताओ
फाइव का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 प्लस 36, इसको जोड़ो 61। अब देखो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर से लेस आ रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है आजकल, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको जो बता रहा था उस क्वेश्चन की बात करता हूँ कि देखो कितनी प्यारी प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे। अच्छा ये कोसाइन फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे। माय क्वेश्चन इज, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आपको जितना भी मैं जो टाइप वाइज मैच पढ़ाता हूँ ना बच्चों, मैं जिसको वीएसटी बोलता हूँ, ये पूरी टाइप वाइज मैच एज इट इज मैंने अपनी बुक में मेंशन की हुई है। हर एक टाइप उसकी एक्सरसाइज, हर एक टाइप उसकी एक्सरसाइज बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं। अभी मैं जितने क्वेश्चन हैं मैं अपनी तरफ से पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन बना रहा हूँ जो बन सकते हैं प्रॉपर्टीज में, इसलिए ये बहुत बड़ी डिटेल मैथ्स है और जबरदस्त मैथ्स है। अब देखो 3 सेंटीमीटर एक साइड है, एक साइड है 5 सेंटीमीटर और एक साइड 1 सेंटीमीटर है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये लार्जेस्ट साइड है तो ये बताना पड़ेगा आपको, तो बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्ड साइड सो दैट इट विल बिकम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरी भुजा की क्या परास होनी चाहिए जिससे ये एक अधिकोण त्रिभुज बन जाए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप पता है मुझे क्या लिखो, इसकी कंडीशन लिखो ट्रायंगल बनेगी 5 + 3 कितना 5 + 3 8, 8 से a छोटा होना चाहिए सबको पता है, और 5 - 3 कितना बच्चा 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन तो आपको लिखना है, ये बताता है कि ट्रायंगल बनेगा। अच्छा लार्जेस्ट साइड है और आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, अधिकोण त्रिभुज, तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी लिखो, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर होता है 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर से। देखो कितना मजेदार है ना, यहाँ पे लिखो ए का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 9 + 25 और ये हो गया ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 34। मैं लिख सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन रूट 34, ठीक है। हाँ जी यहाँ तक ठीक है, चलिए इसमें कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे रहन दो। अच्छा आपको पता है रूट 34 कितना होगा लगभग बताओ, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, तो ये 5 point something होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्रेटर वाली कंडीशन यहाँ से लेना है और लेस वाली कंडीशन यहाँ से लेना है। तो अगर आपको इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो a की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, इट शुड बी इट मस्ट बी लेस देन 8 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 34, तब जाके कौन सा ट्रायंगल बनेगा बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये कितनी प्यारी कंडीशन। अच्छा इसमें अगर मुझसे पूछे कि बताओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब बनता है ये, अच्छा उसके लिए कोई जरूरत नहीं है लार्जेस्ट साइड हो या नहीं हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे कि ए स्क्वायर लेस देन होना चाहिए 9 + 25 से और ए इज लेस देन होगा रूट 34 से। तो बच्चों लेस की कंडीशन तो यहां से लेनी है और ग्रेटर की कंडीशन कहां से लेनी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो आप बोलोगे कि अगर आपका जो साइड है ए ये रूट 34 से लेस हुआ और 2 से ग्रेटर हुआ तो ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कॉन त्रिभुज। देखो कितना मजेदार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ट्रायंगल कब बनेगा, जब ए की वैल्यू 8 और 2 के बीच में होगी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब ए की वैल्यू 8 से रूट 34 के बीच में होगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब ए की वैल्यू रूट 34 से 2 के बीच में होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब ए की वैल्यू 34 होगी रूट 34। अब इससे बाहर कोई क्या पूछ सकता है ट्रायंगल में, बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल है, बेस्ड अपॉन एंगल, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा। अब इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखें कि ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आप देखो कैसे इंप्लीमेंट करना है ना। मैं आपको सिर्फ एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि ट्रायंगल या ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। एक क्वेश्चन आया था कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, एक्स इज द एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल, एक्स त्रिभुज के अंदर स्थित कोई भी बिंदु है एंड पी इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल और पी त्रिभुज का परिमाप है। देन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ग्रेटर देन, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स किससे अधिक होगा ये पूछा था, ठीक है। बच्चा मैंने आपको क्या बोला है, पूरी मैथ्स में है ना जब भी ऐसा सिंबल आ जाए आप समझ जाओ वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 का क्वेश्चन होगा। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ पे दे रखा है ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, क्या ये तीनों साइड से कोई ट्रायंगल बन रहा है? अरे कैसे बन रहा है यार बच्चों,
देखो तीनों साइड, ये इससे कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये तो ट्राइंगल नहीं है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी लगाना है तो ट्राइंगल होना चाहिए, तो आपको ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। अब देखो कुछ तो ट्रिक्स आपको जानना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे अपने प्रॉपर्टी के साथ लिंक करें। अब ये देखो x लिखा है तो आपको ये ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। मैं चलो ले लेता हूँ ट्राइंगल ए बी एक्स, है ना। इस ट्राइंगल ए बी एक्स में मुझे बताओ अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी लगाऊं कि दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। चलो लगा के देखते हैं, एक साइड क्या है ए एक्स, दूसरे साइड क्या है बच्चों बी एक्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। प्रॉपर्टी नंबर वन लगा दी। चलो यहाँ पे लेते हैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल का नाम लेते हैं ए सी एक्स। इसमें दो साइड लेते हैं ए एक्स प्लस सी एक्स, ये ग्रेटर कैसे होगा ए सी से। चलो इस ट्राइंगल को लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम है बी सी एक्स। इसमें दो साइड का सम क्या हो गया बच्चों बी एक्स प्लस सी एक्स, किससे ग्रेटर होगा बी सी से। अच्छा एक चीज बताएं, मैथ्स में अगर तीन चीजें तीन से ग्रेटर हो और अगर आप इसको ऐड करोगे तो ग्रेटर साइन चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, 7 ग्रेटर देन 5 और मैं इन तीनों को ऐड करूं, तीनों को ऐड करूं तो ग्रेटर साइन थोड़ी चेंज होगा। तीन ग्रेटर चीज को आप ऐड करोगे तो रहेगी। तो यहां पर अब पूरी मैथ्स में आपको जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले आपको यही ट्रिक लगानी है। मैं आगे इसको सेंट्रोइड में भी लगा के बताऊंगा, तीनों को ऐड करो तो कितना हो गया बच्चा, दो बार हो गया ए एक्स, टू टाइम्स बी एक्स, टू टाइम्स सी एक्स इज ग्रेटर देन, तीनों को ऐड करो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आपको पता है तीनों साइड का सम को क्या बोलते हैं, पैरामीटर इस क्वेश्चन में दे रखा है पी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे पी लिख दो और टू नीचे जाएगा तो पी बाय टू। दिस क्वेश्चन आज से द एग्जाम, ठीक है आपने देखा। तो पूरे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको ये वाला सिंबल मिले या प्रॉपर्टी और ट्राइंगल से पूछे तो ये दोनों प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। पहले आप यहाँ तक अपनी पूरी तैयारी करो, पूरा अच्छे से जानो, ठीक है। मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसके इतने जबरदस्त, ठीक है। चलिए आई होप सो कि आपके लाइक्स मुझे मिलेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली वीडियो जबरदस्त आपके पास डालूंगा। और पूरी मैथ्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर बने मेरे वीडियो के। अब आपको रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो डालूंगा बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फिर धमाका करके, ज्योमेट्री का धमाका। ओके बच्चा बाय।